गुड मॉर्निंग कमांडो, क्या हाल चाल? आप सभी का स्वागत आज की इस वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ओरिजिन। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। केसी सिन्हा का जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें लगभग 20 से 21 क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में से जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। कोशिश करिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि वीडियो जब भी डालें उसकी सूचना आपको तत्काल मिले। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करने से नहीं चुकें ताकि वैसे स्टूडेंट जिसकी इसको ज़रूरत है वो इसका बेनिफिट उठा सके। तो बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को बता रहे हैं। 5 से क्वेश्चन नंबर 5 में ये पहला नंबर क्वेश्चन जो है सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ये पहला नंबर क्वेश्चन जो है इसका LHS देखिए क्या है। ये LHS है आपको cos थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा और प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। इसको सिद्ध करना है कि ये sin थीटा प्लस cos थीटा है। क्या सिद्ध करना है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले क्या करना है, इस टेन और कॉट को साइन कॉस में बदल लीजिए तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा। और यहां पर क्या करना है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपको यूज करना है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा, पढ़े होंगे। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये भी पढ़े होंगे। अब क्या करना है, नीचे में आपको एलसीएम लेना है, यानी इस वन के नीचे में नहीं कुछ तो क्या है, वन है। तो वन का और कॉस थीटा का एलसीएम कितना होगा? कॉस थीटा होगा। तो ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा ना, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपको हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन थीटा ऊपर में रहेगा ही, नीचे में आपको जो है इस वन के नीचे में नहीं कुछ तो क्या है, वन है ना। तो वन और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा होगा। तो ये साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको हो जाएगा। ये स्टेप समझ गए? ये स्टेप समझ। चलिए, ये नीचे का जो टर्म है ये ऊपर चल जाएगा। नीचे में जब कंप्लीट फ्रैक्शन है तो नीचे का टर्म ऊपर जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ए बाई एक्स बाय वाई ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि आप ए में डिवाइड कर रहे हैं एक्स बाय वाई से। ए बाई एक्स बाय वाई लिखने का मतलब हुआ कि ए में आप एक्स बाय वाई से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और डिवाइड को अगर मल्टीप्लिकेशन में आप बदलें तो ये टर्म क्या होगा, पलट जाएगा, तो वाई बाय एक्स हो जाएगा। तो आप जरा इसको गौर से देखिए, ए वाई बाय एक्स हो गया कि नहीं हो गया, यानी जो नीचे था वो क्या हुआ, सबसे ऊपर चल गया। उसका मूल रीजन यही है, यही स्टेप होता है जिसमें ये बीच वाले स्टेप को हम छोड़ देते हैं और कहते हैं कि सबसे नीचे का टर्म सबसे ऊपर चला जाता है। वही काम यहाँ करेंगे, ये कॉस का टर्म ऊपर जाएगा तो एक कॉस तो पहले से है और उस कॉस में इस कॉस से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ना हो जाएगा, और नीचे में ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपको रहेगा ही। ये साइन भी जब ऊपर जाएगा तो ये आपको साइन स्क्वायर थीटा होगा और नीचे में आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा ही। अब देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर है माइनस का। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन लें तो उस माइनस को नीचे लिखिए, ऊपर लिखिए, बीच में लिखिए, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। तो इस टर्म को पहले रिपीट कर लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा करके। जब माइनस कॉमन लेंगे तो उस माइनस को हम बीच में लिखते हैं, तो ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा है ही, और नीचे जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। माइनस जो कॉमन लेंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस और प्लस वाला टर्म माइनस। अब जरा गौर से देखिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों जो टर्म है, दोनों टर्म है सेम। तो जब दोनों टर्म सेम है तो इसका एलसीएम कितना होगा, यहाँ लिख रहे हैं आपको, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ ऊपर में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और बगल में यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो वन, वन को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से तो इतना ही ना होगा। इससे डिवाइड करेंगे आपको वन, तो वन को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर से तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लग रहा है ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला पढ़े कि नहीं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी अलजेब्रिक फॉर्मूला है, और नीचे में आपको ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो है ही। तो अब अगर गौर से आप देखें, ये आपको सेम है और ये सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बच गया, और यही ना आपको आरएचएस में प्रूव भी करना था। पांच का दो नंबर सवाल अगर देखें, इसको आरएचएस से बनाना ज़्यादा आसान होगा। ये है टेन फोर थीटा प्लस सेक फोर थीटा, इस टेन फोर थीटा को लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और सेक फोर थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर पे स्क्वायर अगर है तो दोनों गुना होकर पावर फोर हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला पढ़े थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और एक पढ़े थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये दोनों ही किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ पे क्या करना है, अगर साइन कॉस में ऐसा टर्म रहेगा तो साइन कॉस का टर्म रहेगा तो लगाएंगे फार्मूला ऊपर का, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, और अगर सेक टेन में रहेगा तो लगाएंगे फार्मूला नीचे का, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है। तो यहाँ पे चूंकि सेक टेन में है इसलिए लगाएंगे फार्मूला नीचे का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अंदर में होगा कि नहीं होगा, बाहर का स्क्वायर रहेगा ही, इस अंदर में से केवल माइनस कॉमन लिए हैं। और अगर यहाँ पर टू टेन स्क्वायर थीटा और इस सेक स्क्वायर थीटा को अगर नीचे लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को वन बाय कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, सेक थीटा बराबर होता है वन बाय कॉस थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू कितना, वन, तो ये माइनस वन का ना होल स्क्वायर हो गया, और इसको लिखेंगे टू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस वन का स्क्वायर कितना वन होगा, तो वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और आप अगर गौर से देखें एलएचएस को तो यही एलएचएस आपको प्रूव करना था, समझे इसको, दिक्कत। तो कभी एलएचएस से बनाएंगे, कभी आरएचएस से बनाएंगे, कभी दोनों को सॉल्व करते हैं। इसका एक चार नंबर क्वेश्चन जो है इसको एलएचएस से बनाना है, और ये बनाना है आप लोगों को, वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन वन माइनस कॉस फोर बीटा अपॉन साइन फोर बीटा, और इसे आपको प्रूव करना है टू कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस वन, ये आपको आरएचएस का टर्म है, टू कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस वन ये आपको एलएचएस का टर्म है और वो आरएचएस का टर्म है, इसे बनाना है आप लोगों को। बन गया तो ठीक है, नहीं बनाओ देखिए कैसे बनाते हैं। इस वन को लिखेंगे वन स्क्वायर, और कॉस फोर को लिखेंगे कॉस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पावर फोर हो जाएगा। नीचे का टर्म आप देख रहे हैं साइन फोर, इसको रिपीट करना है, ऊपर में इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे में जो टर्म आप देख रहे हैं ये साइन फोर बीटा, इसको आपको रिपीट करना है, ऊपर में ये वन प्लस कॉस स्क्वायर बीटा है ही, ये देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। इस नीचे में साइन फोर को हम साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा लिखते हैं, दो बार लिखें गुना में, स्क्वायर स्क्वायर तब ना पावर फोर होगा, ताकि ये ऊपर वाले से कट जाए ऐसा हम दिखला सके कि ऊपर वाले से दो ठो कट गया। अब जो ये नीचे में आपको बचा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर से क्या करना, दोनों में आपको डिवाइड कर लेना है, तो वन बाय साइन स्क्वायर बीटा कर लेना है, और बगल में कॉस स्क्वायर बीटा बाय साइन स्क्वायर बीटा कर लेना है, यानी इस नीचे वाले टर्म से क्या करना, दोनों में डिवाइड कर लेना है। तो वन बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, वन बाय साइन स्क्वायर आपको हो जाता है कॉसेक स्क्वायर बीटा, और ये कॉस बाय साइन क्या होता है,
ये कॉट होता है, तो ये होगा कॉट स्क्वायर बीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा हो गया। लेकिन रिजल्ट जो हमें लाना है उस रिजल्ट में केवल है कॉसेक, इसका मतलब हो गया इस कॉट को कॉसेक में बदलना पड़ेगा। तो क्या कॉट को कॉसेक बदलने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है? और वो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस वन होगा, तो ये और ये सेम हो गया प्लस में, इसलिए ये हो गया टू कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस वन। यही आपको आरएचएस में प्रूव करना था, समझे? जब कहते हैं बनाना है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेना है, फिर अपने से ट्राई करना है, बनेगा तो ठीक है, नहीं बने तब फिर आगे बढ़ के आपको देखना है। बन गया है तो ठीक, नहीं तो आप देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इस टेन को लिखना है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे में इस कॉट को भी लिखना है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बाहर का स्क्वायर तो बाहर में रहेगा ही, ऊपर में इस वन के नीचे में नहीं कुछ तो वन, नीचे में इस वन के नीचे में नहीं कुछ तो वन, तो ऊपर का एलसीएम ऊपर लीजिए, नीचे का एलसीएम नीचे लीजिए, तो ऊपर का एलसीएम होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर आएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, ये ऊपर का टर्म है, नीचे का एलसीएम आपको हो जाएगा साइन थीटा, तो ये साइन थीटा यहाँ पे आएगा तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और बाहर में तो आपको स्क्वायर है ही, तो ये जो टर्म आप देख रहे हैं ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, तो ये नीचे का जो टर्म है ये ऊपर जा करके पलट जाएगा, यानी इस टर्म को कैसे लिखते हैं सो देखिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इनटू में क्या होगा, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा और इसके नीचे में आपको ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बाहर का जो ये स्क्वायर है वो तो बाहर में रहेगा ही, केवल ये नीचे का टर्म ऊपर जाके ऐसे पलट गया है। अब अगर गौर से देखें तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा केवल माइनस का डिफरेंस है, अगर इसी में से माइनस कॉमन लें या इसी में से कॉमन लें तो वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉमन लें इसमें से तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, बगल में आपको साइन थीटा है ही और नीचे में आपको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ही, नीचे का जो टर्म है ये दोनों इसको नीचे मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं, बाहर का स्क्वायर तो आपको रहेगा ही, तो ये टर्म आपको और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन बाय कॉस टेन हो रहा है, लेकिन ऐसा काम करना नहीं, क्योंकि रिजल्ट हमें लाना वन प्लस टेन स्क्वायर करके और नीचे लाना वन प्लस कॉट स्क्वायर करके, तो हमें सोचना उसी तरीका से है, तो ये जब कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा और ये जब साइन नीचे आएगा तो कॉसेक हो जाएगा, तो इस कॉस को एक बार अगर चाहें लिख दें तो वन बाय कॉस थीटा और इस तरीका से साइन थीटा, ऐसे आप लिख लीजिए इस टर्म को, तो ये वन बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक थीटा हो गया, और साइन को जब नीचे लाएंगे तो वन बाय कॉसेक थीटा हो जाएगा, इस तरीका से वन बाय कॉस हो गया सेक, और साइन को नीचे लाएंगे तो हो गया कॉसेक, तो बाहर स्क्वायर रहेगा ही। अब जब बाहर का स्क्वायर का काम करेंगे तो माइनस सेक थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सेक को और कॉसेक को अगर फॉर्मूला में बदलना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो गौर से अगर देखें आपको एलएचएस में, आपको एलएचएस में यही टर्म लाना था और यही आपको प्रूव हुआ, समझे? फाइव का नाइन नंबर क्वेश्चन अगर देखें, इसका एलएचएस कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और प्रूफ जो करना है ये वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, पहले से खुद से बनाने का कोशिश करिए, ये आपको आरएचएस का टर्म है जो प्रूफ करना है। बन गया है तो ठीक है, नहीं बना तो देखिए, इस कॉसेक थीटा को लिखना है वन बाय साइन थीटा और इस कॉट थीटा को लिखना है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, बाहर का स्क्वायर तो बाहर में रहेगा ही। एलसीएम अगर लेते हैं तो नीचे साइन थीटा होगा, तो
तो ऊपर वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये स्क्वायर क्या होगा, ऊपर और नीचे इसको बांट देना है। ऊपर हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर ऊपर भी चल गया और ये स्क्वायर नीचे भी आ गया। इस साइन स्क्वायर को क्या करते हैं, फॉर्मूला पे तोड़ लेते हैं। वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ऊपर है ही, और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आपको नीचे लगा लेना है। अब क्या करेंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो लगा है फॉर्मूला, इस वन को समझिए वन स्क्वायर है, वन को समझिए वन स्क्वायर है, तो नीचे लग जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये आपको ऊपर का जो टर्म है वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वो तो ऊपर में रहेगा ही, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो ये जो टर्म है वन माइनस कॉस थीटा वो ऊपर में एक से कट जाएगा, तो ऊपर बच गया आपको वन माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया वन प्लस कॉस थीटा। यही आपको आरएचएस में प्रूव करने के लिए बोल रहा था। पांच का एक दस नंबर क्वेश्चन है, इसका एलएचएस अगर देखें, ये टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, और इसको प्रूफ करना है वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपको आरएचएस का टर्म है, पहले इसे खुद से आप लोगों को ट्राई करना है एक मिनट में। बन रहा है तो ठीक बात है, नहीं तो देखिए कैसे बनाते हैं। सभी को क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ऊपर में जो टेन है उसको लिखें साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और नीचे में वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा, क्योंकि नीचे में यहाँ पे कॉट थीटा है, यहाँ कॉट थीटा है ऊपर में, तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा, और नीचे में वन माइनस टेन थीटा है, तो टेन को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यानी अभी बेसिक फार्मूला लगाए हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। नीचे जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ऊपर का टर्म ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा रहेगा ही। इस नीचे में क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, इस वन के नीचे में नहीं कुछ तो वन, तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। तो ये जब साइन ऊपर जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहां पर भी आपको कॉस थीटा बाय साइन थीटा है ही, और यहां जब एलसीएम लेंगे तो इस वन के नीचे में वन, तो वन और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा होगा, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो सबसे नीचे टर्म है वो सबसे ऊपर जाएगा, और ये बीच का दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब साइन सबसे ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कॉस और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इधर भी ये जो कॉस है ये सबसे ऊपर जाएगा, तो ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये बीच वाला दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये फ्रैक्शन का नियम है कि ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है, तो सबसे नीचे का टर्म सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, और जो बीच वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके हम नीचे में लिखते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में थोड़ा सा अंतर है साइन का, तो अगर इसमें से माइनस कॉमन लें तो ये बीच वाला प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो उस माइनस को लिखते हैं इस बीच में, तो माइनस लिख करके ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा है और नीचे में साइन थीटा इंटू माइनस जो कॉमन लेंगे तो ये टर्म पलट जाएगा ना, ये साइन थीटा हो जाएगा पहले प्लस और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस। तो ये आपको हो गया टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ओवरऑल टर्म हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस नीचे वाले का क्या करना, आपको एलसीएम लेना है। तो जब नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो वो टर्म आपको हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये टर्म कॉस थीटा अकेला है, ये टर्म साइन थीटा अकेला है, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन में लिए
और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां भी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां भी है, एलसीएम एक ही बार ना लेंगे इसे, इसीलिए हमने लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को। तो इस टर्म से अगर आप डिवाइड करते हैं इसमें, तो ये कॉस और ये अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन। तो साइन को ऊपर में मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और अगर इस दोनों टर्म से आप डिवाइड करते हैं तो साइन कट जाएगा और वो बगल का ब्रैकेट जो है ये अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन होगा कॉस स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। ऊपर अगर देखें यहां पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कितना, फैक्टराइजेशन का लगाएंगे फॉर्मूला ए माइनस बी करके, तो फॉर्मूला इसका होता है ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसका, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे का जो टर्म है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वो तो रिपीट करेंगे ही। अब देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर से और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे से कैंसिल आउट होगा। इस फर्स्ट टर्म को और इस थर्ड टर्म को एक साथ रखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर एक साथ रखें तो ये बच जाएगा, तो इसको बगल कर देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा जो गुना में है ये टर्म, इसको बगल कर दिए, फर्स्ट को और लास्ट को एक साथ लिखे हैं, और नीचे में तो आपको यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहेगा ही। ये जो ब्रैकेट को एक साथ किए, क्या ये फॉर्मूला लग रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया वन, बगल में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो रहेगा ही, और नीचे का जो टर्म आप देख रहे हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये भी नीचे में रहेगा ही। अब चूंकि ये नीचे में मल्टीप्लीकेशन है तो इससे दोनों में आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, यानी वन बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इससे अगर इसमें डिवाइड करें तो ये साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस नीचे वाले टर्म से वन में डिवाइड किए और इस नीचे वाले टर्म से बगल में डिवाइड किए, तो ये आपको टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये जब दोनों ऊपर जाएगा तो कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो होगा सेक थीटा, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा, और बगल में यहाँ प्लस के बाद तो वन रहेगा ही, और यही टर्म आपको आरएचएस में प्रूव करने के लिए भी बोल रहा था। क्या रखना है कि देखिए जो टर्म ऊपर है वो टर्म नीचे आ गया माइनस में, और जो टर्म नीचे है वो टर्म ऊपर चल गया माइनस में, तो इसका रूल क्या है सो देखिए, ये ऊपर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या तो ऊपर के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करिए या नीचे के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करिए, या आप ऊपर भी वन लिखिए नीचे भी वन लिखिए, और क्या करते हैं इसमें सो देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और नीचे में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस टर्म को चूंकि ऊपर ले जाना है इसलिए इस वन के जगह पर लिखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इस टर्म को चूंकि नीचे ले जाना है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा नीचे में लिखना है। इस टर्म को नीचे ले जाना था तो नीचे में लगा दिए फॉर्मूला, क्योंकि इसका फॉर्मूला पढ़े हैं कि ये वन होता है, और इसको चूंकि ऊपर ले जाना था इसलिए लगा दिए ये फॉर्मूला, क्योंकि इसका वैल्यू भी वन होता है। दोनों जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, ऊपर भी और नीचे भी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो है ही, और इसमें लगाते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और इधर हो जाएगा ए माइनस बी, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और नीचे में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो रहेगा ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीका से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गौर से अगर देखें सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस में, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस में कटेगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस में, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस में, आपको बच क्या गया,
आपको बचा ऊपर में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और आपको नीचे में बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और गौर से अगर देखें तो आरएचएस आपको यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, समझे? इसका 13 नंबर सवाल अगर देखें एलएचएस में, तो ये आपको 2 साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में है आपको 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको सिद्ध करना है 2 साइन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा। 2 साइन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा ये आरएचएस का टर्म है, और ये शो करना है। पहले एक मिनट खुद से ट्राई करना है, बन गया है तो ठीक है, नहीं बना तो देखिए ये 2 साइन थीटा, और यहां पर देखिए 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है। ऊपर से अगर 2 साइन थीटा हम कॉमन लें तो यहां पर 10 थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा बचेगा, ये टर्म निकल जाएगा, तो 10 थीटा और ये ब्रैकेट का 1 माइनस टेन थीटा बचेगा ना। यहां से ये 2 साइन थीटा अगर निकल जाएगा तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर है। इसको रिपीट करते चलना है, ये आपको 2 साइन थीटा इंटू इसके ब्रैकेट को ओपन करिए, 10 थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 थीटा होगा, 10 थीटा को 10 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 10 स्क्वायर थीटा होगा, और बगल में सेक स्क्वायर थीटा आपको है ही, और नीचे में 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। 2 साइन थीटा इंटू 10 थीटा, अब अगर इसको इधर से देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम लोग, फॉर्मूला इधर से पढ़ते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का जो ये आपको हो गया इसके जगह पर 1 डाल सकते हैं, नहीं तो आप एक बार इसको पहले लिख लीजिए इसको बाद में लिख लीजिए, तो फॉर्मूला तब दिमाग काम करेगा कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये आपको प्लस 1 हो जाएगा। और नीचे का जो टर्म आप देख रहे हैं 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर ये तो रहेगा ही। अब अगर गौर से देखिए तो 1 प्लस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा, तो नीचे स्क्वायर है, तो ये क्या होगा नीचे के एक टर्म से कट जाएगा, तो आपको क्या बचा, आपको बचा 2 साइन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा, और आपको प्रूफ भी यही करने के लिए बोल रहा था, समझे? कितना आसान था, तब आप लोग से नहीं बनता। आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का जो है क्वेश्चन देखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी और क्वेश्चन है, लगभग 20-21 क्वेश्चन इसमें है। आप लोग कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन बताते हैं पहले उसको खुद से बनाएं, और जो छोड़ देते हैं उसको भी बनाएं। हमें आशा है कि आप लोग पूरे मेहनत के साथ पढ़ते होंगे, इतना मेहनत करते हैं एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, एवं इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए ताकि वैसे स्टूडेंट जिसको इसकी नीड है वो इससे बेनिफिट उठा सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।